हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जवान्स फर्स्ट सिंगल इज हियर। मतलब हमने सोचा था इस वीकेंड में आ जाना चाहिए था, लाइक जो फ्राइडे सैटरडे संडे उस टाइम तो आया ही नहीं, बट उन्होंने मंडे को ही ड्रॉप कर दिया। लाइक मैं ऑफिस में बैठा इसलिए एक्चुअली इसने डाल दिया कि द साउंड ऑफ जवान इज हियर एट 12:50 का, कस लाइक अशी वी मिस्ड इट एक्चुअली, बट देन बेटर लेट देन नेवर, मतलब बेटर लेट देन नेवर ऐसे जो कहते हैं उसी, मतलब गो विद दैट फ्लो एक्चुअली। इसका जो फर्स्ट सिंगल है इसका टाइटल है जिंदा बंदा, एंड जैसे थंबनेल में दिखा रहा है कि लाइक शाहरुख खान इज लाइक यूजुअल पोज सिग्नेचर स्टेप में एंड विद लाइक सराउंडिंग में बहुत सारी लड़कियां हैं। और एक चीज है, थंबनेल में जो नोटिस किया इनका जो यूनिफॉर्म है ना येलो कलर का, इससे मेरे को किल बिल याद आ रहा है। जिन्होंने भी किल बिल देखा उनको पता है Kill Bill is a Hollywood movie, इसका एक अपना ही एक बहुत सारे sequence है। हाँ, but then हमें इसके बारे में जो rumors नहीं but news में था कि first song जिंदा बंदा ही निकलेगा एंड उसमें बहुत सारे लाइक कितने लड़के हैं लाइक 1000 अबाउट, मतलब बैक डांसर्स होंगे करके वगैरह जो भी था वो तो न्यूज तक आया था, बट देन चलो विदाउट वेट लाइक अब जल्दी से हम रिएक्ट करें। असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, यूनिफॉर्म बंदा हो तो जिंदा हो। दिल नचता रे, दिल नचता पंजाबी गुड म्यूजिक, दिल के धड़कने से बच रेडी। Call the women. Oh, Priya Mani is there. धड़पन रंगारे धड़कन अंगारे तन मन गंगारे जिंदा बंदा हो Focusing on that background जो है ना, कोई हमारे जैसा कहा हम ना जहां से हमसे जहां जी में जश्न में आहट चले अपने हुनर में चाहत चले थिरक थिरक थकना क्यों धुनक धुनक थकना क्यों झिझक झिझक झकना क्यों बंदा हो जिंदा हो धड़क भड़क बंदा हो फलक फलक बंदा हो फिकर फिकर जिंदा हो बंदा हो जिंदा हो जीना जाने जो दिल के माने जो कर दे ठाने जो जिंदा बंदा हो अरे कर दे ठाने जो जिंदा बंदा हो अपना रुका चलने दे झटपट झूमर घूमर जादर वाले मैसिव बैकग्राउंड अकेले
एक सेकंड, हिंदी तमिल तेलुगु बोलना है ना, वो है उसका जो स्टेज सेटअप किया हुआ था, जाइगेंटिक स्टेज सेटअप से मतलब वैसे तो यूजुअली लोग वो दैट वीएफएक्स काइंड ऑफ लगा देते हैं कि मतलब इतने सारे बैकग्राउंड में है करके, बट देन दे यूज लाइक कितने सारे है, मतलब मुझे तो लगता है कि इवन मोर देन 1000 काइंड ऑफ लोग पीछे बैकग्राउंड डांसर्स थे, एंड उसके अंदर प्रिया मणि एंड देन सानिया मल्होत्रा भी थी, बट देन वी कुडंट रिकॉग्नाइज एक्चुअली ये लोग मूवीज में है जस्ट फॉर द सॉन्ग में, आई डोंट नो, बट देन इट्स लाइक अ रियूनियन आफ्टर लाइक चेन्नई एक्सप्रेस लाइक गेट ऑन द डांस फ्लोर, उसके बाद प्रिया मणि एंड शाहरुख का लाइक वाइब्रेंट था, आई थिंक ये थिएटर में बहुत जो भी जितने भी वो थे, मतलब मुझे शहनाई काइंड ऑफ लगा थोड़ा बहुत, वो ना एक इंस्ट्रूमेंट है जो बाहर यूज होता है उसका नाम नहीं पता, इतना बड़ा सा है जिसमें कुछ कहकर स्टार्ट हुआ कहा था लाइक पंजाबी में, पता नहीं कुछ कुछ नहीं, पंजाबी में नहीं, पंजाबी में सिर्फ वो लिरिक आया था स्टार्टिंग का, उसके बाद तो एक डायलॉग आया, मतलब डायलॉग पर आज इवन शाहरुख खान ने भी ट्विटर में जब पोस्ट किया था उन्होंने भी कुछ आई डोंट नो मतलब किसी का कुछ राइटिंग्स था वो डालने के बाद लाइक जिंदा बंदे इज देयर फॉर यू करके लिखा हुआ था, तो मतलब वो जो इलेक्ट्रिफाइंग क्या कहते हैं एंट्रेंस जो था, एंड देन आई थिंक वो एक्चुअली सही से वो नहीं दिखाया हमें अभी भी, वो भी सारा कुछ ब्लर था और सिर्फ वो जो बैजेस थे वो सब दिखाया, ही इज लाइक मतलब दूर से ऐसे लग रहा था कि लाइक कोई पुलिस का मतलब वर्दी वगैरह पहन रखा हो, आई थिंक दैट्स जो जो हमने जो शाहरुख खान को देखा था ना जो विलन जैसे हैं उनके, आई थिंक इट्स हिज फादर जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसा हो सकता है, अभी तक जितना सुना है इट्स लाइक जो पुलिस वाले हैं दैट्स द फादर ऑफ जो बॉल्ड कर गया, अच्छा मतलब इतने ट्रिपल पता नहीं कितने सारे रोल में है, मतलब भैया भाई सब कुछ निकलेगा ये भी नहीं पता हमें, बट देन अनिरुद्ध का म्यूजिक था है कंपोज जो किया था अनिरुद्ध ने किया था, मेरे को सच बताऊं तो जितना अभी तक अनिरुद्ध ने किया उसके हिसाब से तो शाहरुख खान का स्क्रीन प्रेजेंस मतलब यूजुअली आता है ना लाइक यू कैन मतलब कुछ आता है ना लाइक यू कैन इग्नोर बॉलीवुड बट नॉट शाहरुख खान का, दिस इज वेरी ट्रू इन दिस केस, हिज ऑरा इज समथिंग एल्स, इवन अगर फिल्म ही छोड़ दो अगर इनका इंटरव्यूज भी हो ना उसमें भी ही इज द वन जो जो इनके जो विटी आंसर्स होते हैं ना and that captivating like look and the जो भी मतलब body language वगैरह होता है वो like पूरा लेकर चला जाता है, it's like तो और मुझे कहीं ना कहीं रावण जैसा vibe भी आ रहा था, रावण के अंदर that छमक छल्लो करीना वाला song था ना, उसके अंदर जैसे वो peppy background वाला song था ना, हाँ कौन सा एकॉन 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 is the singer, हाँ सही है, and then वो background में जितने भी वो green green color में dresses में लड़ी गई थी, and मुझे स्पेशली इसलिए लगा क्योंकि शाहरुख का जो ड्रेस कोड था ना दैट रेड एंड जो फॉर्मल स्टाइल था, हाँ वो उधर भी था, एंड आई थिंक बाय दिस टाइम दिस सॉन्ग इज ऑन ट्रेंडिंग इट हैज टू बी रेड, एंड ये था हमारा रिएक्शन, बाकी आई थिंक आप लोगों को कैसा लगा एंड प्लीज पुट ऑन योर सजेशंस ऑन कमेंट सेक्शन, एंड चलो बाय।